The output of given example applications, इस केस में अगर बात करें तो स्टेटमेंट थ्री और लाइन नंबर थ्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने, देर आर टू स्टेटमेंट्स, y इक्वल्स टू 200 एंड z इक्वल्स टू 400, बिकॉज स्टेटमेंट्स आर सेपरेटेड बाई सेमी कोलन्स। मीन्स करेंट केस में इफ के बॉडी के अंदर बात करें तो बॉडी का टर्मिनेट किससे होगा, कर्ली ब्रेसेस सप्लाई नहीं किया, बाई डिफॉल्ट बॉडी किससे टर्मिनेट होता है, फर्स्ट सेमी कॉलन। इफ के बॉडी के अंदर कंसीडर कितने स्टेटमेंट होंगे, ओनली वाई इक्वल्स टू 200 लाइक दैट। जेड इक्वल्स टू 400 इज नॉट अ बॉडी ऑफ इफ, मीन्स लास्ट स्टेटमेंट और जेड इक्वल्स टू 400 स्टेटमेंट कैसा है, आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ लॉजिकली, बिकॉज इस केस में इफ का बॉडी टर्मिनेट किससे हुआ, फर्स्ट सेमी कॉलन। इस केस में करेंटली टोटल थ्री वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ इसके अकॉर्डिंग टोटल थ्री वेरिएबल्स के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट कराएंगे, एक्स वाई एंड जेड। व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज 10, वाई इज 20 एंड जेड इज 30। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद सेकेंड केस में टेस्ट क्या हुआ, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के अंदर एक्स के प्लेस पर एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू करेंटली क्या साइन हुआ 10, 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400, कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स मीन्स रिप्लेस कराएं, फॉल्स के साथ रिप्लेस क्या हुआ, जीरो। जीरो मीन्स कंट्रोल का सेंड हुआ इनसाइड बॉडी ऑफ इफ और आफ्टर बॉडी ऑफ इफ, आफ्टर बॉडी ऑफ इफ, इफ का बॉडी ऑलरेडी स्टेटमेंट हो चुका है, देन बॉडी के मीन्स इफ बॉडी के जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, जेड इक्वल्स टू 400। जेड इक्वल्स टू 400 अनकंडीशनली एग्जीक्यूट किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं, इसलिए जेड के केस में कैसा हो जाएगा ना, करंट वैल्यू ऑफ जेड बिकम्स 400। कंडीशन फॉल्स था इसलिए वाई के केस में कोई भी असाइनमेंट परफॉर्म हुआ, देन करंट वैल्यू क्या डिस्प्ले हुआ इस केस में, आउटपुट के अकॉर्डिंग कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग जेड इक्वल्स टू 400 नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, दिस वन इज थर्ड स्टेटमेंट, दिस वन इज फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट के केस में डिस्प्ले कर रहा है वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के वैल्यूज क्या है, 10 स्पेस 20 स्पेस 400, द आउटपुट ऑफ गिवन प्रोग्राम।